हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। आज वीडियो में से बताऊंगा मैं जो ग्रिट वाश होता है वो क्या होता है, ग्रिट वाश को कैसे करते हैं और कैसे उसका मेथड होता है लगाने का। तो सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ, जो ग्रिट वाश के अंदर जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ग्रुप में जो बेडिंग्स लगाते हैं, बेडिंग्स को बोलते हैं। तो ये है हमारे पास एलुमिनियम की बेडिंग और एक वुडन की आती है, जो लकड़ी की होती है। इसकी जो डेप्थ और थिकनेस अलग अलग पे आता है, डिपेंड करता है कि ग्रिट वाश कितने mm की थिकनेस पर ले रहे हैं आप। तो ये जो ग्रिट वाश मिनिमम कर रहे हैं 10 mm की है, तो ये 10 mm की बिडिंग है और इसको ग्रुप है वो है 12 mm का। तो इसका फ़ायदा है, लॉस भी वो भी होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ये भी होते हैं कि एलुमिनियम फंडी जो होती है ग्रिट वाश के साथ लगाने के साथ साथ इसको नहीं निकालते हैं। और दूसरा फायदा होता है कि इसमें जो ग्रुप होते हैं बिल्कुल एक अलाइनमेंट में दिखते हैं। दूसरा कि जो ग्राउट होता है सीमेंट का, जो ग्राउट करते हैं वो भी जो जॉइंट होते हैं वो नहीं करने पड़ते हैं, जबकि लकड़ी को निकालने पड़ते हैं और उसको ग्राउट करना पड़ता है ताकि बाहर का जो ग्रिट वाश होता है बरसात के टाइम पे पानी वानी ना उसमें लीक के जाए, सीलेंट ना हो, उसकी वजह से पपड़ी ना बने, पूरा का जो पूरा पैनल्स होते हैं वो गिर जाता है उस नमी के कारण। तो ये इस तरह से लगा जाता है। तो क्या प्रोसेस रहता है मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें जो मोर्टार होता है 1:1 का होता है, 1:1 आपका सीमेंट होता है, 1:1 इसमें ग्रिट होती है। और जो साइड सरफेस देख रहे हैं, जो वाला साइड हो जैसे वाल है, वाल का जो जैम है, भी डोर ओपनिंग का जो जैम होता है या फिर फेस का है, तो फेस में कौन सा वाला जो बिडिंग लगाते हैं, ये तो एल्यूमिनियम फंडी से लगा सकते हैं या फिर एक एल आपकी इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये एक एल टाइप में होती है, ये भी 10 mm का डेप्थ होती है और ये इस तरह से आपको नेल्स होती है जो कील होती हैं आपकी, जो मिनिमम 1 इंच पतली होती है, बहुत आधा इंची वाली, तो उसमें अच्छे से ठोक दी जाती है। तो ग्रिट वाश के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं ये स्टोन होता है जिसको जीरा बोलते हैं, ठीक है। तो जीरा स्टोन होता है और इसमें सीमेंट यूज़ करते हैं। अगर एक तसला सीमेंट है तो 1:1 का यूज़ करते हैं, अगर एक तसला सीमेंट है तो एक तसला ही आपका ग्रिट स्टोन लेते हैं, इसको जीरा बोलते हैं। तो उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसको लगाते हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इंस्टॉलेशन वाल के ऊपर, तो वाल के ऊपर जितना भी आपको पैनल बोलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 3 फीट बाई 3 फीट या फिर 2 बाई 3 फीट स्क्वेयर पैनल के अंदर लगा दिया जाता है, पैनल बना दिए जाते हैं। पैनल बनाने के बाद इसको ग्रुप बना दिया, ग्रुप जैसे देख रहे हैं आप, इसमें 12 mm का जो चौड़ाई जो भी रखना चाहते हैं 12 mm का इसमें ग्रुप रहता है। तो 12 mm का ग्रुप रहता है, चौड़ाई इसमें रहेंगे और जो डेप्थ है वो थिकनेस जो ग्रिट वाश के लिए रहे, जैसे कि 10 mm मिनिमम, 8 से 10 mm या 12 mm तक इसकी थिकनेस होती है। तो फिर डिज़ाइन बनाने, एलुमिनियम का एक फ़ायदा ये भी होता है कि सबसे पहले जो ग्रुप देख रहे हैं बिल्कुल ग्रुप साइज जितनी विड्थ होती है बिल्कुल पैरेलल दिखेंगे, जो पैरेलल जो होता है इसकी स्पेसिंग है जो पैरेलल वो अच्छे दिखाई देंगे। और जबकि वुडन में जो वुडन बीडिंग होती है उसमें कहीं कहीं से टूट जाते हैं बीडिंग निकालते टाइम पे, और सीमेंट जो ग्राउट होता है सीमेंट का उसमें अच्छे सीमेंट का ग्राउट करना पड़ता है ताकि बरसात के टाइम पे उसमें नमी ना आए, पानी वानी कहीं से खाली रह जाता है, थोड़ा बहुत पानी उसमें चल जाता है। तो एल्युमिनियम बीडिंग नहीं निकालनी पड़ती है, बिल्कुल अच्छे से सरफेस क्लियर पैरेलल ग्रुप आ जाते हैं, एकदम मॉडुलर ग्रुप आते हैं। और जो साइड का सरफेस देख रहे हैं जो इधर साइड में आएंगे तो वो एल टेप में वो बीडिंग आती है, और जो बीच बीच में ग्रुप बनाने के लिए वो आपके ग्रुप की बीडिंग आती है एल्युमिनियम फंडी। एक इसका फ़ायदा ये भी होता है, अगर ग्रुप में आपको डिज़ाइन बनाना होता है, जैसे पैनल के ऊपर आप देख रहे हैं ओम का डिज़ाइन बना रहे हैं, तो वहाँ पे किस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं एलुमिनियम, पहले सबसे पहले मार्क कर लेते हैं कच्ची पेंसिल या चौक से मार्क कर लिया जाता है, उसके बाद बीडिंग कटिंग करके बीडिंग से एलुमिनियम की डिजिंग से बना दिया जाता है, उसमें भी आपको ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। फिर प्रोसेस यही रहती है कि सबसे पहले इसको कच्चा कर दिया जाता है, जैसे प्लास्टर में कच्चा किया जाता है, कच्चा भी आपका सीमेंट और मोरम से ही होता है, सैंड से इसको कच्चा नहीं करते, सैंड कच्चा नॉर्मल रहता है ताकि पैनल ग्रिट का जो वेट होता है ज़्यादा होता है उसमें खाली रहने के चांस ही रहते हैं। सबसे बड़ी ये बात ये भी होती है इसमें लेवल, जो लेवल होता है अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेवल भी पूरा पैरेलल होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लेवल देखेंगे जैसे कि ये वाला इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमें लेवल लगाना, तो लेवल वाटर लेवल की सहायता से लेवल लगा दिया जाता है। तो हम प्रैक्टिकली सीखेंगे प्रैक्टिकल किस तरह से हमको लेवल करना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, बीडिंग के लिए हॉरिजॉन्टल लेवल देखना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपका पैरापेट वाल हो गया, ये पैरापेट हो गया, फिर ये आपका रूम फ्लोर हो गया। तो फ्लोर की हाइट हम मेज़र कर लें कितना है, फिर उसके बेस पे हम जैसे एक सपोज़ कीजिए 3 मीटर हो गया, सपोज़ कीजिए 10 फीट आ गया, तो सपोज़ कीजिए आपका 10 फीट है,
तो 10 फीट में हम कितना हो, दो दो फीट के 5 महल बन जाएंगे। तो इसके सेंटर से हम क्या करेंगे, इसके टॉप से ये हमने बिडिंग लगाई, हमने यहाँ पे एक बिडिंग लगा दी। बिडिंग लगाने के बाद इसके सेंटर से हम यहाँ लेंगे 2 फीट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 5 पैनल आपके बन गए। तो आपके नीचे क्या लगी बिडिंग, 4 लगी है। तो इसका जो सेंटर आएगा, जो उसका सेंटर आएगा, उस सेंटर पे आपको बिडिंग लगानी होती है, इसके सेंटर पे आपको बिडिंग लगानी होती है, इसके सेंटर पे आपको बिडिंग लगानी होती है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 2 2 फीट के 5 पैनल आपके पास हो गए। तो ये आपका, तो ये उसके बाद क्या करते हैं, वाटर लेवल। तो वाटर जो पानी की, जो पानी पाइप होता है, उसकी सहायता से क्या करना होता है, यहाँ पे एक मार्क लगाएं, जो ये मार्क करते हैं, जो आपने यहाँ पे एक, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे एक मार्क कर लिया 5 पार्ट्स में। उसके बाद वाटर लेवल के साथ है, जो ये वाला लेवल आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, वाटर लेवल से मार्क कर दिया आपने। फिर यहाँ पे एक ही मार्क करने के बाद यहाँ से भी आप मेज़र कर सकते हैं, 2 फीट यहाँ से इससे मार्क कर सकते हैं, 2 फीट फिर 2 फीट, इस तरह से आप मेज़र कर सकते हैं साइड पर, ठीक है। तो 2 फीट के 5 पैनल हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, 5th पैनल हो जाएंगे। तो ये तो हुआ आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस, सपोज कीजिए आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 फीट का या फिर 2 फीट का, जो भी आपको सपोज कीजिए कोई डिज़ाइन बनाना है, इधर से सपोज कीजिए 6 इंची की पट्टी आपको बनानी है इधर। ये 6 इंची की पट्टी क्लियर करने के बाद जो ये आपका डिस्टेंस इधर अंदर बचता है, अब इसमें भी आपको क्या करना होता है, मेज़र करना है साइड पर, ये देखना है कि ये डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस जितना भी होने के बाद अब आपको क्या करना है, सपोज़ कीजिए यहाँ पे आपने 2 फीट के लिए थे ये हॉरिजॉन्टल में, तो सपोज़ कीजिए 2 फीट से कम या ज़्यादा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा है, सपोज़ कि यहाँ पे आपने 12 फीट या फिर 13 फीट आ गया, सपोज़ कि यहाँ पे आपने 13 फीट चौड़ाई ले ली, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की 13 फीट। तो पैनल कितने बन रहे थे चौड़ाई में, 2 फीट के, तो 2 फीट के चौड़ाई बन रहे थे, तो 1 फीट एक्स्ट्रा है, तो 5 पैनल बन रहे थे, तो 2 6 12, तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं, ये डिस्टेंस 6 पैनल, तो 6 पैनल बन रहे हैं, और 12 1 फीट और एक्स्ट्रा है, तो कितना हो 12 इंची, तो 2 6 12, तो मतलब 6 फीट 2 इंची, तो 6 फीट 2 इंची में आपके यहाँ से सेंटर टू सेंटर ले लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको मेज़र कर लेंगे, यहाँ से मेज़र करना आपको क्या करना है, एक ही मेज़र करना है, ये आपको मेज़र करना है इंची टेप से, यहाँ से मेज़र किया, यहाँ पर मेज़र किया, सेंटर मार्क लगा लिया, फिर इससे सेंटर मार्क लगाया, ये फिर 2 फीट 2 इंची। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका प्लम बॉब, जिसका सोल कहते हैं, इसको सोल करना अच्छे से। सोल करने से ही क्या होगा, वर्टिकल लेवलिंग हो जाएगी, वर्टिकल जो अलाइनमेंट होता है, वर्टिकल प्रॉपर लेवल वर्टिकल हो जाएगा। तो ये हर एक सोल बिडिंग से फंड एल्यूमिनियम फट्टी की सहायता से इसको सोल कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये सोल हो जाएंगे, ये आपके क्या बन गए, पैनल बन गए। फिर एक धागा होता है नील का, नील की सहायता से आपको नील में उसको डुबोना है, फिर धागों को खोलना है, फिर जो आपने मार्क लगाए लेवल के चौक से सहायता से, या फिर एक नेल्स की या कील, जो कील होता है कील की सहायता से लेवल लगा लेंगे, इसी तरह ये वाला। तो अब आपको क्या करना है, नेल की सहायता से इसको धागा बांध देना है, धागे को अच्छे से पटक देना, जैसे कि बंदे ने यहाँ पकड़ा, एक बंदे ने यहाँ पकड़ा, तो बीच में उठा के ऐसे डाल दिया, तो आपको ये मार्क मिल जाएंगे नील के। तो इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के पैनल मिल जाते हैं। तो ये क्या करना प्रोसेस, सबसे पहले क्या करना होता है, कच्चा करना होता है, कच्चा प्लास्टर होता है, उसके बाद फिर दाना आपको मिलाना है, ग्रिट वॉश करना है, सिर्फ उसको घोल डालना है, और जैसे प्लास्टर की क्योरिंग होती है, सेम प्रोसीजर यही रहता है कि जब कच्चे का प्लास्टर, कच्चे की तराई होती है और ग्रिट वॉश होने की भी तराई होती है। और दूसरा मेथड ये बता देता हूँ आपको, जो ग्रिट वॉश आपको जो कलर का आपको करना है, जैसे कि आपको रेड रेड का करना है तो रेड स्टोन आता है, अगर थोड़ा सुरमसी कलर आता है ब्लू कलर का लेना, तो ब्लू कलर का स्टोन आपको यूज करना है। अगर आपको मिक्स करना है रेड एंड ब्लू, ये मिक्स करना है, तो मिक्स स्टोन का ही यूज करते हैं, इसमें कोई अलग से कलर की यूज नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका नेचुरल ग्रिट वॉश हो जाता है, क्योरिंग आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद देखते हैं ये विंडो जैम, अगर आप एल्यूमिनियम फंटी ले रहे हैं, एल्यूमिनियम की बिडिंग ले रहे हैं, तो उसके फेस तक आप ले सकते हैं, अगर वो नहीं ले रहे चाहते लेना चाहते हैं, तो जैम अंदर भी लेना चाहते हैं, तो विंडो का जो जैम होता है, जैसे कि 4 इंची चौड़ाई है, तो ये कॉर्नर आपको विंडो के जैम तक आपको अंदर तक ग्रिट वॉश करना पड़ेगा अंदर तक। जैसे कि आउटर फेस होता है, बीडिंग आपने यहाँ पे एल्यूमिनियम के लगाए, तो फेस में रोकना चाहते हैं फेस में रोक सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो, या फिर इसमें लकड़ी वाली जो बीडिंग यूज करते हैं, तो साइड के फेस तक ही भी आपको इसमें करना होता है, जैसे कि 4 इंची तक, इसमें जो वुडन बीडिंग होती है 4 इंची के फेस तक आपको बीडिंग लगा दी जाती है इस तरह से, ठीक है। तो बाकी आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं किस तरह से उसमें लगा बीडिंग लगाई हुई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक क्लिप बाय बाय। फिर लेवल लगाने के बाद बिडिंग लेवल लगाएंगे, लेवल में
उसके बाद फिर ग्रुप अच्छे से काट जाते हैं।